हेलो एवरीवन आज का जो वर्ड है दैट इज़ स्ट्रिंजेंट स्ट्रिंजेंट इज़ यूज फॉर दोज लॉज दोज रूल्स और द कंडीशन्स जो कि बहुत ही ज़्यादा कड़े होते हैं इट इज़ एन एडजेक्टिव एडजेक्टिव है ये एक एंड इट इज़ यूज फॉर एनी लॉ एनी रूल जो कड़े होते हैं और उनको फॉलो करना इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश में इट विल बी डिमांडिंग स्ट्रिक्ट अटेंशन टू रूल्स एंड प्रोसीजर्स इट कैन बी यूज फॉर लॉज और रूल्स और कंडीशंस जिनको फॉलो करना अधेयर करना इज इंपॉर्टेंट लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन एंड द सिनेिम्स सिनेानिम्स हो सकते हैं इसके रिगरस स्ट्रिक्ट एंड रिजिड rigid. rigid आप सबने सुन रखा होगा ये वर्ड और स्ट्रिंजेंट भी कई लोगों ने सुन रखा होगा क्योंकि स्ट्रिंजेंट जो है बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में और बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं स्ट्रिंजेंट लॉज बनाए जाते हैं ताकि आप उन सबको फॉलो करें जैसे कि ट्रैफिक रूल्स बनाए जाते हैं उसी तरीके से अदर रूल्स आर मेड एंड लॉज आर मेड उसी वर्ड के लिए स्ट्रिंजेंट यूज किया जाता है सिननेम्स uh, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ दे आर रिगरस स्ट्रिक्ट एंड रिजिट अब अगर रिजिट का आपको एंटेनिम लिखना होगा तो वो होगा फ्लेक्सिबल एंड अगर स्ट्रिक्ट का ऑपोजिट होगा एंटेम होगा तो वो होगा लीनियंट तो स्ट्रिंजेंट के एंटेट दिस इज ई एंड फ्लेक्सिबल एलईनआईन टी स्पेलिंग का ध्यान रखेगा मिसपेल्ड वर्ड में भी स्पेलिंग कई बार पूछी जाती है एंड फ्लेक्सिबल एग्जाम्पल सेंटेंस रेस्टोरेंट मस्ट अडियर टू स्ट्रिंजेंट हेल्थ रेगुलेशन हेल्थ रेगुलेशन आप मेड ताकि आपको अच्छा फूड मिल सके हाइजीनिक हो सके रेस्टोरेंट एरिया अच्छा हो तो उस लिए कुछ हेल्थ रेगुलेशन बनाए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट अगर रेस्टोरेंट्स उनको अडियर करेंगे उन स्ट्रिक्ट हेल्थ रेगुलेशंस को अडेयर करेंगे तो ये कंज्यूमर्स के लिए इट इज़ बेटर इट इज़ बेटर एंड सेफ टू ईट आई मीन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ईट हेल्दी फूड तो इसलिए भी ज़रूरी है कि रेस्टोरेंट्स इन मेजर्स को अडेयर करें सो दैट्स वाई ये स्ट्रिंजेंट वर्ड यूज़ किया जाता है जो कि आपको एक फील देता है दैट द रूल्स आर स्ट्रिंजेंट मतलब कड़े हैं आप उनको अडेयर करना इम्पॉर्टेंट है सो दिस इज़ द वर्ड और ये बहुत ही कॉमनली यूज वर्ड है तो आई um, होप कि आपको ये वर्ड याद रहेगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में आई एल टेल यू अनादर वर्ड थैंक यू